डॉक्टर राजकुमार ने अकाली दल पर उठाए सवाल, बजट को बताया लोकहित बजट। पंजाब सरकार द्वारा बीते दिन पेश किए गए बजट के बाद जहां अकाली दल इसकी निंदा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक डॉक्टर राजकुमार ने बजट को लोकहितकारी बताया और कहा कि अकाली दल के पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह बजट की निंदा कर रहे हैं। राजकुमार जी, अज अकाली दल ने मिठिया खुंडलियां वंड के आम आदमी पार्टी ने सिर ते झूठ दी पंड रख के पंजाब बजट का विरोध किया, की कहोगे? भई ये शर्म के नाल सिर झुक रहा हूँ इन्हों का, और मैनू हैरानगी इस गल की है कि अकाली दल के टाइम के उपर 250 रुपया पेनशन मिलती सी, अज 1500 रुपया हो गई। भई तुसी 15,000 रुपए सघन स्कीम देंदे सो, अज 52,000 कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करती डॉक्टर अंबेडकर के नाते कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर के नाल यूनीवर्सिटी, डॉक्टर अंबेडकर के नाते यूनीवर्सिटी चेयर। भई इन्ना कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है, और तुसी दलितों के नाँ से झूठी सियासत करन तो पहले अपनी पीढ़ी थले सोटा फेरो। दिल्ली च केजरीवाल साहब दी दलितों के प्रति कोई स्कीम है? कोई सघन स्कीम केजरीवाल देंदा है? कोई पेंशन देंदा है? कोई दलितों नूं फायदा देंदा है? कोई यूनीवर्सिटी कॉलेज अंबेडकर के नाँ से उन्हें रखा है? ये अंबेडकर की चुनी हुई सरकार है, और एक कांग्रेस की सरकार है, और ये झूठे लारे ते वादियां दी आम आदमी पार्टी ते अकाली दल की आदत बन चुकी।